Hello everyone, let's start with question number 14. So it says if the center of the circle is 2a, a minus 7, then find the value of a if the circle passes through the point 11, minus 9 and has diameter 10 under root 2 units. तो सबसे पहले यहाँ पे center point क्या है हमारा? It is 2a, a minus 7. उसके बाद उन्होंने बोला है हमें कि एक पॉइंट है जो सर्कल पे है, दैट इज पी पॉइंट, लेट इट बी पी पॉइंट एंड इट इज 11, माइनस 9. अब यहाँ पे एक और पॉइंट बना देते हैं, दैट इज क्यू. उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, लेकिन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गिवन है दैट डायमीटर इज 10 अंडर रूट 2. तो पी क्यू हमारा कितना हो गया? 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स. अगर आप इसको हाफ कर दोगे सो दैट विल बी पी सी, दैट विल बी आवर रेडिया. सो 10 अंडर रूट 2 को डिवाइड करो 2 से, यू विल गेट 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स. अब आप देखो कि आपके पास PC है, तो PC को हम कैसे यूज कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P एंड C कोऑर्डिनेट. यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बिटवीन P एंड C. सो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी. सो इट विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1, सो 2a माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 माइनस minus 9, so it will be plus 9 whole square equal 5 under root 2. अब आपके पास यहाँ पे on the left hand side you have 2a minus 11 whole square. So 2a square करो, it will be 4a square. Then we have plus 11 square, it will be 121. Then we have minus 2 into 2a into 11, 2ab. So it will be 44a. अब लास्ट में देखो हमारे पास है a माइनस 7 प्लस 9, सो इट विल बी a प्लस 2 होल स्क्वायर. सो यू गेट a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल 5 अंडर रूट 2. तो अब यहाँ पे आपके पास 4a स्क्वायर मिल गया आपको और a स्क्वायर मिल गया, ऐड कर दो 5a स्क्वायर. अब माइनस 44a प्लस 4a कितना हो गया? इट विल बी नेगेटिव 40a. और उसके बाद आपके पास बचता है 121 एंड यू हैव 4, सो इट विल बी 125. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव 5 अंडर रूट 2. और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को अगर आप राइट हैंड साइड पे लाओगे तो इट विल बी स्क्वायर ऑफ द नंबर. सो यहाँ पे आपके पास आ गया 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125. सो यू गेट 50 हियर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 2. तो 25 इंटू 2 इज 50. अब 50 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, सो दिस विल बी 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 75 इक्वल 0. अब 5 को कॉमन ले लो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सो यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर माइनस 8a, देन यू आर लेफ्ट विद 50 इक्वल्स 0. अब ये जो बाहर आपके पास 5 बचा है, इसको अगर आप राइट हैंड साइड लेकर जाओगे और राइट हैंड साइड लोगे तो 0/5 हो जाएगा. तो इसका मतलब वी आर लेफ्ट विद ओनली a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल 0. अब इसको हम मिडल टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में. सो वी हैव 15 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इट विल बी 5 and 3. सो यू कैन डिवाइड एज a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल 0. अब फर्स्ट टू टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? यू कैन टेक a, सो यू आर लेफ्ट विद a माइनस 5. अब लास्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हो? You can take 3 and a minus 5. So you have now two values for a. One is a minus 5 and other is a minus 3. तो a की दो values हो गई आपके पास. One is 5 and other is 3. So this is your answer for question number 14. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.